वार्ड नंबर 71 बीजेपी से पूर्व पार्षद व पार्षद प्रत्याशी श्याम आश्रय मौर्य डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे, लोगों से कर रहे हैं जनसंपर्क। फोर्थ पिलर की टीम से पूर्व पार्षद श्याम आश्रय मौर्य ने बताया कि क्षेत्र में बची हैं कुछ समस्याएं। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद बचे हुए क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वहीं उन्होंने क्षेत्र में किए हैं कई विकास कार्य, सड़क से और पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुंचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव 4 मई को काशी में होने वाला है, जिसे लेकर सारे प्रत्याशी प्रचार प्रसार में तो लग चुके हैं। इस वक्त हमारी टीम वार्ड नंबर 71 बजरडीहा में मौजूद है और हमारे साथ यहां पे बीजेपी से कैंडिडेट व पूर्व पार्षद श्याम आश्रय मौर्य जी मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वह फिर चुनाव में खड़े उतरे हैं, और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार अगर वो जीतते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या कुछ रहेगा। आइए उनसे जानते हैं। पहले सबसे पहले पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं श्याम आश्रय मौर्य भाजपा पार्षद दल का उपनेता रहा हूँ वाराणसी नगर निगम का जी, और मैंने MSc PGDCA हमने किया है मैथमेटिक्स से जी MSc। और मैं बता दूं कि श्याम आश्रय, यह जानना चाहेंगे आपसे किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में उतर रहे हैं। मैं जो है कि मैं लगातार सन 2000 से भी भाजपा का 5वीं बार में प्रत्याशी हूँ जी, और मुद्दा ये है कि जितने नगर निगम पर सीवर सड़क पानी जितना भी था वो हमने यहाँ पर किया है जी जी। ये बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, एक काम बुनकरों का भी हो जाता है, तो बुनकर फार्म है यहाँ पर, जितनी भी उनका फार्म भरवाना बुनकरों का, उनका कैंप लगवाना, ये सब हमने काम किया है। और रही बात इधर की, सारी गलियाँ कच्ची थी, रेवड़ी तालाब मदनपुरा के अधिकतर बुनकर वहाँ से जमीन यहाँ पर लिए हैं, और मैं बता दूँ यहाँ खेत में लिए थे, लेकिन यहाँ 80% सड़क अब तक बन चुकी है। और रही बात है कि मैं इनके बीच में हमेशा सर्वसुलभ रहा हूँ, चाहे 5 बजे सुबह हो, 6 बजे हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो। इसी कारण से इस बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में मुझे लोग भाजपा प्रत्याशी के रूप में जिताते रहे हैं जी। और इस बार क्या उम्मीद कर सकती है जनता आपसे? अभी लास्ट ईयर मैंने करीब 20 लाख रुपए का लाइट लगवाया है जी, और मैं बता दूं कि लोग हाथ में यहाँ पर लाइट लेके घूम रहे थे, और हर लोगों ने अपना यहाँ पर लाइट लगवाया। लोग कहते हैं कि ये हम एकदम जैसे कि एकदम अच्छे जगह हम आ गए हैं जी। तो चाहे यहाँ सड़क हो, चाहे लाइट हो। अब मैं बता दूं कि हमने आधा दर्जन ट्यूबवेल लगवाया, जखा में ट्यूबवेल लगा, आपका बजट यहाँ पूरी चौकी ट्यूबवेल लगा, लक्ष्मणपुर में लगा, शिवरतनपुर में लगा, जब पोखरी पे लगा, इस तरह कुल मिलाकर के शिवराज नगर कॉलोनी में ट्यूबवेल लगा, इस तरह कुल हमने अब तक आधा दर्जन ट्यूबवेल लगवा लिया है जी। मतलब जिस तरह से आपने कार्य किया है अपने क्षेत्र में, पूर्व पार्षद हो थे आप, इस बार आगे जाना चाहेंगे, जैसे कि समाजवादी पार्टी के कुछ प्रत्याशी से हमने बात की है और भी कांग्रेस से भी, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 40 भी सीट नहीं ले आ पाएगी, जिस तरह से वो बाकी सरकार बना रही है, पर नहीं इस बार चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये मैं बता दूं कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का बहुत बड़ा दिन है कि इस बार हम लोग करीब मतलब कि 60-70 मतलब दुगना सीट हम लोग जीतेंगे। उसका कारण ये है कि मोदी जी ने गरीबों को आवास भी दिया है, मोदी जी ने गरीबों को भोजन भी दिया है। कोरोना काल में बता दो, कोरोना काल में जब पूरे विश्व में हर चीज़ का दिक्कत था, तो यहाँ पर जो है उन्होंने सबको जो है कि अनाज जैसे भर दिया, लगे कि वह जैसे कि एक आध बीघा दो बीघा के मालिक हो, उनके घर अनाज जैसे बचा रहता था जी जी। इस पूरे पोजीशन है। और रही बात, उन्होंने आयुष्मान कार्ड भी दिया है। तो मैं बता दूं इस बार का चुनाव, पहले बहुत मैंने 5 बार चुनाव लड़ा, तो पहले की तुलना में इस बार आसान है। जनता खुद बोल रही कि मैं उन मोदी जी ने हमको खाना दिया है। मैं बता दूं, पहले महिलाएं जो थी जैसे घर से निकलती थी तो बारात कहीं शादी में जाती थी तो हर आदमी को डर लगा रहता था कि जल्दी से वापस आ जाए, लेकिन अब क्या है कि कोई चिंता बात नहीं, चाहे 12 बजे आए चाहे 2 बजे आए, योगी जी के सरकार में सब महिलाएं अपने सुरक्षित, आदमी भी अपने बेफिक्र है।
तो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी इस समय निश्चिंत है, तो इसलिए सीट दोगुना हो जाएगी इस बार। जी, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की बात की है, यहाँ काशी के सांसद भी है, आते हैं, करोड़ों का भी स्वागत लेकर आते हैं, विकास कार्य करते हैं, क्या कुछ उनके पद पर आप चलना चाहेंगे? जैसे भाजपा का भी एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा है कि मैं बता दूं कि बजटिया वार्ड में मैं लगातार यहाँ पांचवी बार भाजपा के प्रत्याशी के रूप में हूँ और यहाँ पर सब लोग मेरे साथ है, सबका साथ है, सबका विकास है और सभी मुझे पर विश्वास करते हैं। इसीलिए मैं बता दूं कि जब से मैं जीत रहा हूँ तब तक कोई किसी का जमानत नहीं बची है और ये भी हम समझते हैं ये उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड है, वो भी इस बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में। जी, कार्य आप कर रहे हैं इसलिए लोग जनता आपको चुन भी रही है, साथ ही साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को, क्या वोट अपील इस बार के चुनाव को लेकर कहेंगे उनसे? जनता खुद ही समझदार है और अपना वोट हमें मालूम है कि सब लोग हम ही करेंगे और जनता जो है कि खुद हमें बहुत मानती है, वह हमारे लिए जनता हमारे आगे भी आप उम्मीद कर रहे हैं रखना चाहेगी जनता आपसे की कार्य करेंगे, पर अभी तक बात की जाए तो कुछ क्षेत्र में कई जगह हमने देखा है कि सीवर की समस्या भी अभी रह गई है, तो जनता क्या उम्मीद कर सकती है आपसे इस बार? ऐसा है कि हमने 80% काम कर दिया है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर खेत ही खेत था जी, ये जिसे हम पक्का महाल के सभासद नहीं थे, गोदौलिया मदनपुरा के यहाँ पर जब लोग को लेते थे तो जमीन खेत ही रहता था, तो अब 80% यहाँ पर हमने काम कर दिया है, 10-20% काम बाकी है, वो अभी हो जाएगा। अच्छा जी, ये भी आपसे हमारे बहुत ही बहुत ही जितने के बाद पहला कार्य क्या कुछ? पहला कार्य जितना सारे काम जी, सारा काम जैसे बुनकरों का कार्य, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जैसे हमने बनवाया है, और मैं बता दूं मोतियाबिंद का हम एक बार यहाँ पर 500 ऑपरेशन मोदी जी करवा रहे थे जी, तो उसमें बहुत मेरा सहयोग रहा है और ये 500 लोगों का ऑपरेशन जिसमें रास्ते में लोग निकलते थे तो शाम को लोग इतना लोग काला चश्मा पहन के निकलते थे, लगता है कि बहुत लोगों ने ऑपरेशन यहाँ पर कराया है और यहाँ बहुत गैदरिंग थी या मेरे वार्ड में, तो लगता है कि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है और बाकी सब सतत चलता रहेगा इसी तरह, सीवर, सड़क, पानी, लाइटिंग और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन बुनकरों के लिए और जो मतलब कि जो सरकारी योजना पूरी तरह से यहाँ पर लागू हर चीज़ का होता है। जी शुक्रिया, आप देख सकते हैं अभी हम श्याम आसिफ मौर्य जी से बात करते हैं, साफ तौर पे उनका यही कहना था, पिछले कई सालों से वो पार्षद है इस यहाँ पे और विकास कार्यों की बात की जाए तो वो खुद ही भी बता रहे हैं कि वहाँ पे आपके क्षेत्र में 80% कार्य करवाया जा चुका है उनकी तरफ से, और ये उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से उन्होंने पहले पार्षद होने पर कार्य किया है इस बार भी जनता उनको चुने और जीतने के बाद वो जो कार्य बचा हुआ उसको भी वो पूर्ण रूप से पूरा करेंगे और करेंगे इस बार। आइए और लोग से भी बात करते हैं, यहाँ के क्षेत्रवासी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं वो इस बार श्याम आसिफ मौर्य जी से और क्या कहना चाहते हैं उनसे, यह भी जानेंगे। ये आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं जो आपके क्षेत्र में रोजाना देखने को मिलती है? देखिए 30-35 साल से ये इलाका पूरा कच्चा था जी, बच्चे घुटने घुटने भर पानी में बारिश में तैर के चलते थे गली में, और जब से ये इनका बीजेपी का शासन आया तब से ये 30 साल में बहुत ही विकास हुआ है आपके क्षेत्र में, बहुत ही विकास हुआ, तमाम गलियां जो आप देख रहे हैं सब कच्ची थी 30-35 साल से, तो हमने देखा कि पूरा कच्चा जी, अब तो सीवर भी है और गलियां भी सब बन गई है, वो तो दिखा रहा है सबका साथ। श्याम आसिफ जी पूर्व पार्षद थे, काम किया है उन्होंने यहाँ पर बहुत काम, क्या कुछ किया है आपसे जानना चाहेंगे? सब दिखा रहे हैं आपको, गलियां कितनी पक्की बनी हुई है सब इन्होंने बनवाया है। अच्छा, मतलब उम्मीद आप लोग ने जो रखा था उस पे खड़े उतरे हैं, तकरीबन 70-80% बन चुकी है और जो 20-30% बची है आगे उम्मीद रखते हैं कि फिर ये जीतेंगे वो भी बन जाए, मतलब इस बार भी आप उन्हें ही लाना चाहते हैं, पूरी उम्मीद रख रहे हैं उनसे, अगर इस बार क्या लगता है जीतने के बाद कार्य करेंगे? वो तो 20 साल से करते ही रहे, मतलब पहले से विकास करते हैं तो लगता है आगे भी करेंगे, पूरा सहयोग है आपका।
आप देख सकते हैं यहाँ लोगों से हम बात कर रहे हैं, साफ तौर पर उनका यही बोलना है कि श्याम आसरे जी को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि और लोग भी हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद इखलास आलम लोग कहते हैं। जी जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप कुछ ऐसी समस्या आपके वार्ड में है या पहले से यहाँ के जो पार्षद रहे हुए श्याम आसरे मौर्य, क्या कार्यकाल उनका रहा है, क्या कुछ कर पाया उन्होंने? जी, श्याम आसरे मौर्य जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रहा है। हम लोग जिस भी विभाग में श्याम आसरे जी के साथ जाते हैं और आते हैं, वहाँ हम लोगों को सम्मान मिलता है। हमारे आसपास जो क्षेत्रीय जो का कामकाज नहीं हुआ है, उस संबंध में हम लोग अगर वहाँ अवगत कराते हैं सभासद जी के द्वारा, तो हमारा काम वो तत्काल पूरा किया जाता है। बातें सुनते हुआ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई आश्वासन नहीं देते? नहीं, कोई आश्वासन नहीं, तत्काल काम किया जाता है। आपकी बातें हमेशा सुनते हैं क्षेत्र के लोगों की भी? बिल्कुल। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद रखते हैं? इस बार फिर चुनाव में है, वो 4 मई को वोटिंग होने वाला है, क्या मूड है आपका? बिल्कुल, मूड एकदम पक्का है, वो पहले ही वाला मूड है और यही रहेगा। अच्छा, यही रहेगा, मतलब कमल इस बार फिर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, कमल ही है। श्याम आसरे जी फिर आएंगे? जी बिल्कुल, श्याम आसरे जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। अच्छा, मतलब जिंदाबाद के नारे भी आपने लगा दिए? बिल्कुल लगा। आप देख सकते हैं कि साफ तौर में यहाँ पे हमने लोगों से बात की है और साफ जिंदाबाद के भी नारे लगा दिए गए हैं। श्याम आसरे जी से बहुत उम्मीद रख रहे, क्योंकि उनको जो सभासद भी रह चुके हैं वो उन्होंने कार्य अपने क्षेत्र में करवाया है, और साथ ही साथ उनका यही कहना है लोगों का कि आगे भी वैसे ही करवाते रहेंगे। वो कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, फोर्थ पिलर न्यूज़।